पीटीआई क़यादत मखसूस नशस्तों के लिए लिस्टें बनाने में मसरूफ़। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत पर सफारिशात की भरमार है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की सीनियर ख़वातीन क़यादत के नाम कौमी असम्बली की लिस्टों में शामिल करने का फैसला कर लिया गया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे फ़हीम अख्तर से। जी फ़हीम, बताएगा कौन कौन सी अहम ख़वातीन रहनुमा हैं जिनके नाम शामिल किए जा रहे हैं? देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चंद दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दिया था कि मखसूस नशस्तें तहरीक इंसाफ को जो है वो दी जाएँ। अब तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है वो लिस्टें बनाने के ऊपर मसरूफ़ है। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और कौमी असम्बली के लिए जो मखसूस नशस्तें हैं उनके लिए जो काम है वो किया जा रहा है, और जो मखसूस नशस्तें पहले बनाई गई थी उनमें हंगामी तौर पर रद्दबदल करने का फैसला किया गया है। खवातीन वर्कर्स, एमएनएज और एमपीएज जो हैं वो बनने के लिए अपनी पार्टी क़यादत को अपनी खिदमात के नुमाने में ना सिर्फ मसरूफ़ हैं बल्कि उनको सिफारिशें भी करवाई जा रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि नए चेहरे जो है वो सामने लाए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा से मलिया असगर, आयशा बानो, राबिया बसरी के नाम कौमी असम्बली के लिए जो है वो शामिल किए जा रहे हैं। इसी तरीके से निशाल यूसुफ दई को भी खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली का जो रुकन है वो बनाने का फैसला किया गया है। दर्जनों खवातीन वर्कर्स मखसूस नशस्तों में अपना नाम लिखवाने के लिए तगदो में मसरूफ़ हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से भी सिफारशात सीनियर क़यादत को भिजवाई जा रही हैं। ताहम तमाम तर नामों की जो मंजूरी है वो बानी पीटीआई देंगे, और मुहर्रम अल हराम के बाद तहरीक इंसाफ कौमी और सूबाई असम्बलियों की मखसूस नशस्तों की जो फहरिस्त है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा कराएगी। ठीक है फहीम अख्तर, शुक्रिया आपका।